मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कलेक्टर्स एसपी कॉन्फ्रेंस ली। सुबह 10 बजे से शाम 5:30 बजे तक चली क्लास में मुख्यमंत्री ने हर विभाग की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कड़े तेवर भी दिखाए। उन्होंने कहा कि छोटे छोटे काम को लेकर जनता को सीएम हाउस आना पड़ रहा है, ये बर्दाश्त नहीं होगा। सीएम ने बैठक खत्म करने के बाद उनका बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि सभी कलेक्टरों ने योजनाओं के विस्तार से जानकारी दी है, कलेक्टरों ने योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने का काम किया है, फिर भी हम संतुष्ट नहीं है, हमें और भी आगे करना है। सभी कलेक्टरों से आग्रह किया है कि जरूरतमंद तक योजनाओं को पहुंचाना है, एक भी व्यक्ति सरकार की योजनाओं से वंचित नहीं रहना चाहिए। एसपी के साथ कानून व्यवस्था पर चर्चा होगी। सीएम ने कहा कि अच्छा काम करने वाले कलेक्टर को पुरस्कृत किया जाएगा, गलत काम करेंगे कलेक्टर तो उनको दंडित भी किया जाएगा। देखिए, सरकारें समय समय पर अपने कामों की समीक्षा करती है और यहाँ पर 2 दिन का कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ है। आज ये पहला दिन था और आज इस पहले दिन में हमारे प्रदेश के सीएस श्री अमिताभ जैन, हमारे सीएम सेक्रेटरी, विभिन्न विभागों के सचिव, जिलों से कलेक्टर्स, जिला पंचायत के सीओज और निगम के कमिश्नर और राजस्व के कमिश्नर, इतने लोगों का ये कॉन्फ्रेंस था जिसमें सवेरे से विभागवार बहुत अच्छे से समीक्षा हुई है। हमारे कलेक्टरों ने अपने अपने जिलों में सरकार की योजनाओं के संबंध में क्या क्या किए हैं, कहां कहां तक पहुंचे हैं, सबकी विस्तार से जानकारी दी है और हम कह सकते हैं कि जो सरकार की योजनाएं हैं उसका बहुत अच्छा उन्होंने अपने अपने जिले में योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने का काम किया है। सरकार की योजना है उसको 100% जरूरतमंदों तक पहुंचाएं। कोई भी जरूरतमंद एक भी ऐसा नहीं बचना चाहिए छत्तीसगढ़ के अंदर जो मतलब सरकार की योजनाओं से वंचित हो। और कल एसपी भी आएंगे तो प्रदेश की कानून व्यवस्था पर भी कल चर्चा होगी।